अगर आपको भी कटलेट या टिक्की खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये क्रिस्पी सा और बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा ये कटलेट ज़रूर बनाइएगा, जिसके अंदर मैंने दही की फिलिंग की है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह, आज हम आपके लिए दही आलू के कटलेट बनाने वाले हैं, जिसे आप टिक्की भी कह सकते हैं। कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम दही का यूज करेंगे, तो यहाँ हम दही में से पानी को अलग करेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल गाढ़ी दही चाहिए। तो मैंने यहाँ एक बर्तन के ऊपर एक छन्नी रखा है और इसमें कपड़े को सेट कर दिया है, कोई भी आप साफ कपड़ा यूज कर सकते हैं, और इसमें हम दही डाल देते हैं। तो यहाँ हम 400 ग्राम दही का यूज कर रहे हैं, आप पैकेट वाली दही या घर की दही कोई भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमें इसे इसी तरह रख देना है जिससे दही का पानी नीचे भगोने में इकट्ठा हो जाएगा। तो इसे हम फ्रिज में रखेंगे लगभग 1 से 2 घंटे के लिए। तो यहाँ जो दही है ये गाढ़ी हो गई है हल्की सी, और ये देखिए पानी भगोने में नीचे आ गया है, पर अभी दही में थोड़ा सा पानी दिख रहा है मुझे, तो इसे हम पोटली बना लेते हैं, यानी इसकी एक पोटली बनाएंगे और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है इसे दबा कर निकाल देंगे। दही के पानी को आप कढ़ी में, दाल में, सब्जी बनाने में या आटा गूंदने में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दही में से पानी को निकाल दिया है, आप चाहें तो दही को थोड़ी देर दबा करके भी रख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ कुछ कटी हुई सब्जियाँ ली हैं, जैसे गाजर, पत्ता गोभी, प्याज, हरी धनिया और 1 से 2 हरी मिर्च ली है, आप कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो दही है ये बिल्कुल छेना यानी पनीर जैसा दिख रहा है, पर ये पनीर नहीं, ये दही है, और कुछ इसी तरह का दही आपको भी तैयार करना है। तो बस ये दही बिल्कुल तैयार है, अब इसमें हम सभी कटी हुई सब्जियां मिला देते हैं। तो ये ध्यान रखें कि आपको सब्जियां बारीक काट कर डालनी है, या जो भी सब्जी आप खाना पसंद करते हैं वो सब्जी इसमें डाल सकते हैं, जिससे ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी भी बनेगा। अब इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं, 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, आप चाहें तो चीनी का यूज कर सकते हैं। अगर आपको दही का हल्का सा जो खट्टापन होता है वो पसंद नहीं है तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। और इसके बाद आप सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें और ये जो मिक्सचर है दही का ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि दही में हल्का सा पानी रह गया है तो आप इसमें भुना हुआ बेसन या ब्रेड क्रम्ब ऐड कर सकते हैं। तो दही बिल्कुल तैयार है, ये देखिए इसकी छोटी छोटी बॉल बन रही है। अब हम एक बाउल में उबला हुआ आलू डाल देते हैं, जिसे मैंने मैश करके डाला है, ये लगभग 400 ग्राम है। ब्रेड क्रम डालेंगे 1 कप, ग्राम में ये 150 ग्राम है। कटी हुई हरी धनिया, नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, तो यहाँ मैंने 1.5 चम्मच डाला है। साथ में इसमें चाट मसाला डालेंगे जिससे ये बिल्कुल चटपटा सा हो जाएगा, तो यहाँ मैंने लगभग 1.5 चम्मच चाट मसाला डाला है। और इसके बाद हमें सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। कटलेट के लिए आलू भी बिल्कुल तैयार है, अब हमें दही वाले कटलेट बनाने हैं, जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज की बॉल ली है आलू की। इसे हमें हल्का सा चिपटा करना है क्योंकि हमें इसके अंदर दही को स्टफ करना है। दही की छोटी सी बॉल ले रहे हैं, आलू के अंदर इसे स्टफ कर देते हैं। तो बहुत ही आराम से ये काम करें, बस हल्के हाथ से आलू से आपको दही को कवर करना है। और इसके बाद इसे हम घुमाते हुए चिकना कर लेंगे और हल्का सा इसे फ्लैट कर देंगे, आप चाहे तो इसे राउंड यानी गोल भी रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ जो दही के कटलेट है बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। इसी तरह हम सभी कटलेट को बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ ब्रेड क्रम लिया है, घर की बची हुई ब्रेड को आप पीस लें और इस तरह ब्रेड क्रम को घर पर ही तैयार कर लें। इसी के साथ हमें चाहिए कॉर्न स्टार्च, जिसे हम लोग कॉर्न फ्लावर भी कहते हैं, लगभग मैंने 1/4 कप लिया है, और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक बैटर बना लेते हैं। बहुत गाढ़ा बैटर नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा पतला भी बैटर नहीं चाहिए। तो यहाँ मैंने कॉर्न फ्लावर का बैटर भी तैयार कर लिया है, और अब हमें जो टिक्की है उसके ऊपर इसकी कोटिंग करनी है। तो एक टिक्की को लेते हैं, इसमें डालते हैं बैटर को अच्छे से इसके ऊपर लगाएंगे, यानी टिक्की को इसमें डिप कर देते हैं, और इसके बाद इस टिक्की को हम डालेंगे ब्रेड क्रम में, यानी अब हमें ब्रेड क्रम की कोटिंग करनी है। तो इसी तरह हम सभी टिक्की को पहले कॉर्नफ्लावर में डालेंगे,
बैटर में डालेंगे और उसके बाद जो ये क्रम है, ब्रेड क्रम है, इससे हम कोटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह मैंने यहाँ सभी जो टिक्की है यानी कटलेट है इन्हें मैंने तैयार कर लिया है। इसे आप इसी तरह फ्रिज में रख सकते हैं लगभग 1 से 2 दिन और जब भी आपको खाना हो या कोई आ रहा हो तब इसे आप फ्राई कर सकते हैं। तो फटाफट इसे हम गरम तेल में डालते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को आपको मीडियम टू हाई रखना है। अगर तेल बहुत ज्यादा गर्म है, ये जो कटलेट है ये जाते ही तेल में लाल हो रहा है, तो आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। बस इसे आपको 1 से 2 बार पलटना है और अच्छे से फ्राई करना है। इस कटलेट में आपको आलू के साथ दही भी मिलने वाला है जिससे ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इस बार आप इस तरह कटलेट को जरूर बनाइएगा। आप इसे इसी तरह भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे चाट में यूज कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये कटलेट की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आते रहते हैं। तो इसे ट्राई करें, एक बार फिर से मिलते हैं, तब तक लिए थैंक यू एंड टेक केयर।